नमस्कार, 10 मिनट किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे करायल। करायल दो तरह से बनाया जाता है, मूंग की दाल से और उड़द की दाल से। हमने उड़द की दाल से बनाया है, तो हम करायल बनाना शुरू करें। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स में लिख के बताइए कि हमारा ये करायल आपको कैसा लगा। थैंक यू। हम करायल बनाना शुरू करते हैं। तो करायल बनाने के लिए हमको चाहिए दाल। आप उड़द की दाल के भी बना सकते हैं, मूंग के भी। आज हम उड़द की दाल के बनाएंगे। हमने ये 50 ग्राम दाल ली है और इसको अब हम 2 घंटे के लिए सोक कर देंगे। आज हम उड़द की दाल के बनाएंगे। 2 घंटे सोक करने के बाद दाल फूल गई है, ये देखिए ऐसी हो गई। आप टुकड़े वाली भी ले सकते हैं, मैंने साबुत ली है, टुकड़े वाली भी बहुत अच्छी रहती है। अब हम दाल को मिक्सी के जार में डाल देंगे। दो चम्मच फ्रेश पानी डालेंगे। दाल कम है इसलिए हमने ये वाला बर्तन लिया है, छोटा बर्तन लिया है। इसको बिल्कुल बारीक पीसेंगे। एकदम बारीक, बिल्कुल फाइन पीस लिया है इसको, इस तरह का ये कंसिस्टेंसी। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। दाल तैयार हो गई है, अब थोड़ा हम इसको फेंट लेंगे। दाल फिटी हुई चेक करने की यही पहचान है, फिटी है कि नहीं फिटी है। इसको थोड़ा सा पानी में डालेंगे, पानी में डालते ही ये ऊपर आ जाती है, ये देखिए ये दाल बिल्कुल ऊपर आ गई है, तैर रही है पानी में, ये फिट गई है अच्छी तरह से, ये पहचान है इसकी। अब इस दाल में से 2 चम्मच दाल हम निकाल के अलग रख देंगे घोल तैयार करने के लिए, और बाकी की इसकी पकौड़ी बना लेंगे। पकौड़ी की दाल में 1 पिंच हींग डालेंगे, आधा छोटा चम्मच नमक, क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम है, आप स्वादानुसार डाल सकते हैं। गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी, अब हम इसमें तेल डालेंगे, कुकिंग ऑयल कोई सा भी डाल सकते हैं आप। दाल में नमक अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तेल गर्म हो गया है, गैस के फ्लेम को हमने लो कर दिया है, और ये दाल बहुत चिकनी होती है उड़द की, तो हाथ से छूटती नहीं, तो इस तरह से हम पानी लगाएंगे हाथ पे पहले ऐसे। ये मैंने बाउल लिया है कांच का, इसमें पानी रखा है, ऐसे करके हाथ डुबो के और इस तरह से इसमें पानी लगाएंगे, हाथ को गीला करेंगे, फिर दाल उठा के पकौड़ियां तोड़ेंगे। छोटी छोटी पकौड़ी बनाएंगे। छोटी छोटी पकौड़ी पहले हाई फ्लेम करके तेल खूब गर्म कर लिया, फिर फ्लेम को लो कर दिया, और उसके बाद में सारी पकौड़ियां डाल दी। अब ये हल्की आंच पे लो मीडियम पे सेकेंगी, हाई पे नहीं सेकेंगी, नहीं तो अंदर तक, अगर हाई पे सेका तो अंदर तक नहीं सेक पाएंगी। बीच बीच में 2 मिनट के लिए फ्लेम को मीडियम भी करना है। अब मैंने फ्लेम को मीडियम करा और इसको ऐसे ही हिलाऊंगी, डालते ही इसको हिलाना नहीं है। अब मैं फिर से फ्लेम को लो कर दूंगी। पकौड़ी हमारी सिक गई है, गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और पकौड़ी निकाल लेंगे एक प्लेट में। इसको
तेल को थोड़ा सा साइड से ऐसे ऐसे करके और पकौड़ियां निकाल लेंगे। पकौड़ी बहुत अच्छी सिक गई है, देखिए आप एकदम गोल्डन ब्राउन अंदर तक सिकी हुई है, इसमें बहुत अच्छी जाली पड़ गई है। ये देखिए आप कितनी अच्छी जाली पड़ी है इसके अंदर, जाली पड़ गई, इसका मतलब बहुत खस्ता और बहुत अच्छी पकौड़ी तैयार हुई, एकदम परफेक्ट। इसको चाकू से काटेंगे तब आपको दोनों तरफ की जाली दिखाई देगी। ये देखिए कितनी अच्छी जाली पड़ी है इसमें, ये देखिए। गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है करायल बनाने के लिए, तब तक इस घोल को थोड़ा सा फेंट लेते हैं। कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, 1 पिंच हींग, आधा छोटा चम्मच जीरा। इस समय हम गैस के फ्लेम को लो रखेंगे और इसमें डाल देंगे हम ये घोल। इस घोल में अब हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, हल्दी पाउडर। अब हल्दी को हम मिक्स करेंगे, और इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। पानी डाल के अच्छे से इसको चलाएंगे। इसमें थोड़ा पानी और जाएगा, ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, 1 गिलास पानी और डालेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी ये रखनी है, बिल्कुल पतला पानी। अब ये जितना खोलेगा ना उतना अच्छा बनेगा, थोड़ा ज्यादा ही पानी डाला जाता है, खोल खोल के अच्छा बनता है ये। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, और डालना चाहे तो डालें, नहीं डालना चाहे तो ना डालें। और डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला। इसमें गरम मसाला बहुत जरूरी है क्योंकि इसका बेस गरम मसाला होता है, कढ़ी का बेस दही होता है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम करायल को लो फ्लेम पे आधा घंटा या 20 मिनट हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको जल्दी पकाना है तो आप 12-15 मिनट हाई फ्लेम पे पका सकते हैं। जितना लो फ्लेम पे टाइम लगेगा उसका हाफ हाई फ्लेम पे टाइम लगेगा, तो आपकी जैसी इच्छा हो, जैसे पकाना चाहें वैसे पका लें। ये हाई फ्लेम पे है, अभी करायल पक गई है, 25 मिनट हो गए इसको पकते हुए। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ये रहेगी, ऐसी रहेगी, कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसमें पकौड़ी डालेंगे और 2-3 मिनट इसे और पकाएंगे और ढक के रख देंगे इसे। बस ये इसी में स्टीम में फूल जाएंगी पकौड़ियां। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम करायल को ढक के रख देंगे। करायल हमारा तैयार हो गया है। अब हम करायल को एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसकी गार्निशिंग करने के लिए थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। तो आपको कैसी लगी? बहुत ही इजी रेसिपी है, 10 मिनट में तैयार होती है। तो आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए और कमेंट्स में लिख के बताइए कि करायल की रेसिपी कैसी लगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखना।